नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए एक जॉब वैकेंसी लेके आया हो दैट इज़ इन बेसिल दैट इज ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड फ्रेंड्स इट्स अ मिनी रत्न कंपनी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ये मिनी रत्न कंपनी नाइनटीन में स्टैब्लिश हुआ था एज़ पर कंपनीज़ एक्ट नाइनटीन फ्रेंड्स ये एक अच्छा कंपनी है दो द करियर ग्रोथ इज लाइक वेरी लिमिटेड हियर एज पर गूगल बट You can apply here because here uh, work and life balance is very good. So इसमें क्या क्या details है and others कैसे कैसे apply करना है and पूरा details video में बताया गया है So friends अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट forget to टू सब्सक्राइब सो दैट आपका ऐसे ही लेटेस्ट एंड ट्रैवल जॉब ट्रैवल रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहेगा सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं सो फ्रेंड्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ये जो कंपनी है इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इट्स अ मिनी रत्ना कंपनी सो आपको ये कंपनी का परिचय मिल गया है सो so, इसका एडवर्टाइजमेंट डेट है सेवनटीन जुलाई सो सेवनटीन जुलाई को इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन है सो so, इसमें वैकेंसी नंबर जो है बहुत सारा वैकेंसीज़ है सो so आपको कहाँ जा अप्लाई करना है एंड अदर्स uh, दिल्ली के लिए भी कुछ वैकेंसी निकला है फॉर नॉर्मल अदर्स जनरल कैंडिडेट सो उसका मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में देने के लिए बट यू कैन गो टू वेबसाइट आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट एंड यू कैन चेक द एडवर्टाइजमेंट ओवर दैर सो फ्रेंड्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और बेसिल इसका जो एडवर्टाइजमेंट है दैट इज़ जॉब वैकेंसी नंबर थ्री फिफ्टी सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैन पावर हायर कर रहा है एंड ऑफिस कौन सा ऑफिस में होगा दैट इज़ एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी कोलकाता सो आपका पोस्टिंग होगा कोलकाता में दैट इज़ इन एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी सो अगर आप इंटरेस्टेड है कोलकाता में काम करने के लिए सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू सो बेसिकली एक्चुअली कोलकाता एयरपोर्ट में भी ऑपरेशनल है सो आई थॉट जो 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 लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं या जो मेरा सब्सक्राइबर है वो एयरपोर्ट में काम के लिए इंटरेस्टेड है एंड दे आर सीकिंग जॉब इन एयरपोर्ट सो आई वॉट टू यू दिस जॉब वैकेंसी फॉर यू ओनली सो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट वॉग टू सब्सक्राइब ताकि आपका ऐसे लेटेस्ट एयरपोर्ट रिलेटेड एंड अदर्स ट्रैवल रिलेटेड अपडेट्स सबको मिलता रहेगा सो इसमें जो फास्ट जो वैकेंसी है दैट इज़ इन नंबर वन दैट इज़ लैब एनालिस्ट हाईली स्किल्ड होना होगा इसके लिए इसमें पोस्ट है नंबर वन एक पोस्ट है क्वालिफिकेशन इसमें मांग रहा है पोस्ट ग्रेजुएट और यू शुड बी अ ग्रेजुएट इन साइंस सो साइंस ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना होगा सो so इसमें मंथली रेवनीडेशन ऑफर कर रहा है ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ मल्टी टास्किंग स्टाफ सेमी स्किल्ड इसमें भी वन वैकेंसी है इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है ग्रेजुएट साइंस और बी कॉम और बी ए सो कोई भी एक में आपका अगर ग्रेजुएशन है स्ट्रीम में देन यू कैन अप्लाई इसमें सैलरी ऑफर हो रहा है 20,488. नेक्स्ट नंबर थ्री लैब एनालिस्ट कम सैम्पलर इट इज़ ऑल्सो हाई स्किल्ड जॉब इसमें टोटल वैकेंसी है दो इसमें क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल रहा है कि यू शुड बी अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन फिशरी मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल फिशरी मेरीन बायोलॉजी माइक्रोबायलॉजी केमिस्ट्री जुअलॉजी बायोलॉजी बायो केमिस्ट्री बायो साइंस और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सैलरी विल गेट इन लाइक एवरी मंथ फो ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ सो दिस इज द सैलरी स्केल सो इसमें टर्म्स कंडीशन क्या है सिलेक्शन जो है नंबर वन सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब नंबर टू प्रीफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट्स सो लोकल कैंडिडेट्स जो हुर फ्रॉम कोलकाता मतलब कोलकाता या नियर बाई एरिया में जो लोग रहते हैं सो उनको प्रीफ्रेंस मिलेगा एंड आर ऑलरेडी वर्किंग इन सेम और सिमिलर डिपार्टमेंट तो सेम और सिमिलर डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं सेम स्किल है मतलब एक्सपीरियंस जिनके पास है सो उनको प्रीफरेंस मिलेगा नंबर थ्री बोल रहा है कि नो टी ए और डी ए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरेक्शन और ज्वाइनिंग द ड्यूटी ऑन सिलेक्शन एक्टेट्रा सो अगर आपको टेस्ट के लिए बुलाता है सो so, टेस्ट में आने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने के लिए और अगर पर्सनल इंटरेक्शन होगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए और जॉइनिंग मतलब ड्यूटी अगर सिलेक्टेड होते हैं ज्वाइनिंग के लिए वही टी ए ट्रैवलिंग अलाउंस और डी अलाउंस ये सब आपको नहीं मिलेगा नंबर फोर जो है दैट इज़ एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन सो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है सो so, कैसे अप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जानेंगे सो नंबर फाइव में ये बताया गया है सो फॉर अप्लाइंग प्लीज़ विजिट द बेसिल वेबसाइट सो बेसिल का जो वेबसाइट है दैट इज़ डब्ल्यू 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 डॉट बेसिल डॉट कॉम ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट में आपको जाना है एंड देन आपको जो करियर सेक्शन है सो केरियर सेक्शन जो है उसमें जाके आपको क्लिक करना है सो so, उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है एंड उसके बाद आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको रीड करना है केयरफुली अप्लाई uh, करने से पहले आपको रीड करना है एंड बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट ऑफ़ फ़ी सो एक फी इसमें अपलीकेबल है वो भी आपको पे करना है और इंस्ट्रक्शन भी है कैसे आपको अप्लाई करना है एंड आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है उसका भी इंस्ट्रक्शन है रजिस्ट्रेशन अटैच में अटैच में दिया जाएगा फॉर योर रेफरेंस और रजिस्ट्रेशन फ़ी एक बार पे करने के बाद वो रिफंड नहीं होगा अंडर एनी सर्कमस्टेंस सो कैंडिडेट्स और एप्लीकेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनको इंश्योर करना है कि एलिजिबिलिटी एंड अदर जो क्राइटेरिया वो मीट कर रहे हैं एंड बेसिकली नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग एप्लीकेशन और इन एलिजिबल कंडीशन सो so, ये आपको केयरफुल रहना चाहिए बिफोर अपलाइंग फॉर दिस पोस्ट नंबर सिक्स जो है नंबर सिक्स पे बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म भाई ई मेल और टेलीफोन फॉर देयर स्किल टेस्ट इंटरव्यू और इंटरेक्शन सो जो कैंडिडेट अगर एलिजिबल है उनको स्किल टेस्ट इंटरव्यू और इंटरेक्शन के लिए ई मेल भेजा जाएगा सो यू शुड गिव योर करेक्ट एंड वैलिड इमेल आई डी फॉर अपलाइंग फॉर दिस जॉब नंबर सेवन कैंडिडेट्स उनको एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट करने से पहले अच्छा करके रिव्यू करना है मतलब आपको रिव्यू करना है आप जो जो डिटेल्स दिए हैं वो केयरफुल फ़िलअप करना है फ़िलप करने के बाद फिर से रीचेक करना है अगर कोई आ, अगर गलत कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं सो तो बेसिल विल नॉट एक्सेप्ट एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस सो तो अगर आप नेक्स्ट सोचते हैं कि वो चेंज करना चाहिए था सो तो बेसिल कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा चेंज के लिए जो सबमिट कर दिया है रॉन्गफुली वो चेंज नहीं होगा सो इट इज़ वन टाइम सो आपको केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है नंबर एट ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए स्किल टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस में बुलाया जाएगा सो so, जो अप्लाई कर रहे हैं सो so उनको ये एश्योर नहीं मिलेगा कि उनको कॉल आएगा जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको ही स्किल टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा सो so, आपका कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इसमें आपको फ़िलअप करना है सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ़िलअप करने के लिए आपको सुटेबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन फॉर द पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं करते है आपको नेक्स्ट जो है दैट इज़ नंबर नाइन कैंडिडेट को एक प्रिंट आउट लेना होगा एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट कर रहे हैं ऑनलाइन जो सबमिट कर रहे उसका एक प्रिंट आउट लेके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस नंबर टेन में बोल रहा है कि बेसिल विल नॉट टेक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्राइपोलॉजिकल एरर दैट इज़ अगर कोई एरर करते हैं जैसे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अगर आप गलत डालते हैं सो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद बेसिल ये चेंज नहीं करेगा या रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा नेक्स्ट जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस है एंड एम्बिगुटी डिसीजन वो के ऊपर होगा एंड फाइनल बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स इन केस एनी डाउट और अगर कोई हेल्प मांग चाहते हैं देन यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट इन दिस मेल आई सो मेरा पिछला वाला जो वीडियो था दैट इज सिक्योरिटी स्क्रीनर इन ए आई क्लास उसमें बहुत सारा डाउट एंड अदर्स बहुत सारा प्रॉब्लम uh, हो रहा था एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है एंड अदर्स सो आई जस्ट गिव इंफॉर्मेशन हियर आई एम नॉट द सो so, आपको जो प्रॉपर अथॉरिटी है उनको ही कॉन्टैक्ट करना है इनकेस ऑफ टेक्निकल रीज़न और अपलाइंग अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन और डाउट और हेल्प में कोई प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन श्योरली मेल देम दिस इज द मेल आई डी एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर जस्ट कॉन्टैक्ट इन दिस इ मेल आई डी एंड यू कैन ऑल्सो कॉल हियर सो दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली एंड लास्ट डेट इसका है एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट है ऑन सिक्स ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो विदिन सिक्स ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर आपको इसमें अप्लाई करना है सो so, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितना फीस है एंड अदर्स के क्या है सो so, आपको वो जो वेबसाइट मैंने बताया जो दिस इज़ द वेबसाइट डब्ल्यू ये वेबसाइट में जाके आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी उसका फी आपको उधर दिखाएगा सो so, सो so आशा करते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स आपको समझ में आ चुका है इन केस इफ यू हैव एनी डाउट डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड ऑल्सो अगर टेक्निकल रीजन या एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है डू नॉट फॉरगेट टू मेल इन दिस ई मेल सो दिस इज योर रेफरेंस दिस इज द मेल आई जस्ट कॉन्टैक्ट दैम फॉर इन केस ऑफ एनी लाइक हेल्प और अदर डिटेल्स यू वांट टू गेट फ्रॉम बेसिल सो फ्रेंड्स फॉर योर लाइक हेल्प ओनली जस्ट वॉन्ट टू एड समिंगयर आपको कैसे अप्लाई करना है इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है सो हाउ टू अप्लाई सो अगर आप इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सो so, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड वेबसाइट ऑलरेडी मैं दे दिया देट इज़ डब्ल्यू 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 डॉट बेसिल डॉट कॉम दिस इज द वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन है एच टी टी पी एस बेसिल रजिस्ट्रेशन डॉट इन ओनली ये दो वेबसाइट में ही आपको अप्लाई करना है एंड अदर कोई मोड एक्सेप्टेड नहीं है फॉर दिस एप्लीकेशन एंड बिफोर अपलाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स आल्सो एडवाइज टू हैव देयर फोटो सिग्नेचर बर्थ सर्टिफिकेट टेंथ सर्टिफिकेट और टेंथ सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन इमेजेस अपलोड उनको करना है एंड फाइल साइज शुड भी नॉट मोर देन हंड्रेड के बी सो ये जो डॉक्यूमेंट्स है दैट इज़ फोटो सिग्नेचर बर्थ सर्टिफिकेट और टेंथ सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट अगर है देन इसको स्कैन करके रखना है एंड साइज शुड नॉट भी मोर देन हंड्रेड के बी सो आपको ये पहले अप्लाई करने से पहले ये ठीक करके रखना है अपना डिवाइस में नेक्स्ट इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं एडवर्टाइसमेंट जो निकला है सो so आपको एक बार ही रजिस्टर करना है ओनली वंस वन यूनिट रजिस्टर एंड फी चार्जेबल विल वैरी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर सो फी चेंज हो सकता है अगर आप uh, एक से मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं सो फी चेंज होगा नेक्स्ट कैंडिडेट्स नंबर टू पे बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेड टू हैव देयर वैलिड पर्सनल ई मेल आई डी सो पर्सनल ई मेल आई डी आपको देना है इन केस कैंडिडेट डज नॉट है वैलड ई ई मेल पर्सनल ई मेल ही और शी शुड हैव क्रिएट हीज आर ओन न्यू ई मेल आई डी अगर आपके पास ई मेल आई डी नहीं है सो आपको एक क्रिएट करना है खुद का ई मेल आई डी क्रिएट करना है सो ई मेल आई डी शुड बी यूनिक विदाउट ई मेल आई डी एप्लीकेशन एक एक्सेप्ट नहीं होगा नेक्स्ट नंबर थ्री पे जो बोल रहे हैं दट इज कैंडिडेट आ रिक्वेयर टू गो टू द वेबसाइट ऑफ बेसिल दैट इज डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बेसिल डॉट कॉम और एच डी पी एस बेसिल रजिस्ट्रेशन डॉट इन ये जो वेबसाइट है इसमें जाके आपको कैरियर जो ऑप्शन है दट इज़ करियर लिंक है उसमें जाके आपको क्लिक करना है नेक्स्ट नंबर फोर कैंडिडेट्स को जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको फॉलो करना है एंड सात सेवन स्टेप्स है कंप्लीट करने में सो so, फर्स्ट जो स्टेप है स्टेप वन आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर सिलेक्ट करना क्योंकि बहुत सारा वैकेंसीज है आप दिल्ली के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते दिल्ली के लिए भी हाउस कीपिंग एंड अदर्स निकला है ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समथिंग लाइक दिस सो उसका दूसरा वीडियो में ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में लाने के लिए सो so, आपको अकॉर्डिंगली जो एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है कोलकाता का सो so, वो सिलेक्ट करना है नेक्स्ट आपका बेसिक जो डिटेल्स है वो फिलअप करना है नंबर थ्री में जो एंटर करना है दैट इज़ एजुकेशन डिटेल्स वर्क एक्सपीरियंस आपको देना है नंबर फोर्थ स्टेप जो है दैट इज़ आपको स्कैन जो फोटो सिग्नेचर बर्थ सर्टिफिकेट और टेंथ सर्टिफिकेट कस्ट सर्टिफिकेट ये सब अपलोड करना है स्टेप फाइव एप्लीकेशन रिव्यू और मॉडिफाई अगर करना चाहते हैं प्रिव्यू एंड मॉडिफाई ऑप्शन देगा सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो so इसमें आप एम कर सकते हैं उसके बाद अगर फाइनली सबमिट करते तो आप एम नहीं कर पाएंगे इट इज़ वन टाइम ओनली नंबर सिक्स नंबर सिक्स पे जो है सो नंबर सिक्स पेमेंट ऑनलाइन मोड भाई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यू पी आप पेमेंट कर सकते हैं नंबर सेवन ई करके आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स जो ई मेल आई डी है लास्ट पेज में एप्लीकेशन फॉर्म सो ई करना है आपका जो स्कैन डॉक्यूमेंट है वो आपको ईमेल करना है टू द ई मेल आई डी मैंशन इन दास्ट पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म सो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट जो पेज है सो so, वो ईमेल आईडी आई डी आपको लोड करके रखना है एंड आपको ईमेल करना है नंबर सिक्स कैंडिडेट्स उनको अपलोड करना है जो पासपोर्ट कलर साइज़ फ़ोटो है सिग्नेचर स्कैन कॉपी एंड साइज ऑफ दो स्कैन कॉपी शुड नॉट बी मोर देन हंड्रेड के बी एंड इसका फॉर्मेट होगा जे पी जी और डॉट पी डी एफ फाइल्स ओनली सो जे पी जी और पी डी एफ फॉर्मेट में ही ये आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए स्कैन नंबर सेवन ओनली ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी नॉन रिफंडेबल इज एप्लीकेबल सो ऑनलाइन ही आपको पे करना है एंड देयर विल बी नो अदर मोड ऑफ पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी डिमांड ड्राफ्ट चेक्स मनी ऑर्डर पोस्टल ऑर्डर पे ऑर्डर बैंकस चेक पोस्टल स्टैप्स एक्ट्रा ये सब अपलाई एक्सेप्ट नहीं होगा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसिंग फी के लिए सो कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन फी इसमें मैंशनड है सो so, आप यहाँ पर रेफरेंस ले सकते हैं फॉर जनरल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फी और एप्लीकेशन फीस एट हंड्रेड एटी फाइव फाइव नाइन्टी एंड एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल पोस्ट अगर आप अपलाई करते हैं सो एडिशनल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फाइव नाइन्टी रुपीज़ पे करना है ओ कैंडिडेट के लिए भी सेम है एज़ पर जनरल एट एटी फाइव एंड फाइव नाइनिटी फॉर एक्स्ट्रा एडिशनल पोस्ट के लिए अगर आप एस सी एस सैंडिडेट है तो फाइव थर्टी वन एंड अगर एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए अपलाई करते हैं तो थ्री फिफ्टी फोर आपको पे करना है एंड एक्स सर्विस मैन के लिए एट एटी फाइव एंड एट फाइव नाइन्टी रुपीज़ फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अगर आप अपलाई करते हैं एंड वुमन कैंडिडेट के लिए एट एटी फाइव एंड फाइव नाइन्टी फॉर एक्स्ट्रा अदर पोस्ट ई डब्ल्यू एस फिजिकल हैंडीकेप के लिए फाइव थर्टी वन एंड थ्री फिफ्टी फोर फॉर एक्स्ट्रा एडिशनल पोस्ट अगर आप अपलाई करते हैं सो बैंक एंड पेमेंट गेट वे चार्जेस ऑन दब अमाउंट विल बोन बाई द एप्लीकेंट अगर बैंक कोई चार्ज करता है या क्रेडिट कार्ड अगर पे करते हैं तो चार्ज आपको बोर्ड करना है नेक्स्ट नंबर एट पर बोल रहे हैं बेसिल विल नॉट भी रिस्पॉसिबल रही है नेटवर्क प्रॉब्लम और इन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है या अदर्स कोई प्रॉब्लम होता है तो बेसिल विल नॉट भी हेल्थ रेस्पॉसिबलबर नाइन कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि पोस्ट जो फिलअप करें जुडिशली जुडिशसली फिलअप करें एज पर द एडवर्समेंट रिलीज बाई बेसिल नंबर टेन ऑल द कम्युनिकेशन एंड अदर्स जो रजिस्टर्ड ई मेल एंड रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपने जो पे uh, दिया है उसमें ही आपका कम्युनिकेशन होगा नंबर इलेवन पे बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ एनी फॉल्स इफॉर्मेशन और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स एक्शन एज पर द एडिशनल कंप्लेन और द लोकल अथॉरिटी टू बी मेड अगर कोई फॉल्स इफॉर्मेशन फॉल्स डॉक्यूमेंट्स फॉल्स डॉक्यूमेंट आप देते हैं सो so आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है नंबर ट्वेल्व नो कैंडिडेट शैल मेक एनी कम्युनिकेशन टू आवर क्लाइंट सो अगर बेसिकली uh, क्लाइंट है सो so कोई क्लाइंट को कम्युनिकेशन नहीं करेगा इसके रिगार्डिंग नंबर थ्री कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू एंटर द डिटेल्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट केयरफुली सो जो डिटेल्स दे रहे सो केयरफुली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको देना है एंड बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इसमें प्रीव्यू ऑप्शन मिलेगा सो प्रीव्यू ऑप्शन में आपको देख लेना है आपने जो डिटेल्स दिया वो सही दिया है कि नहीं एंड उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन परमिटेड नहीं है अगर फी पे किया है आपने सो so वो फी नॉन रिफंडेबल है नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स सर एडवाइज टू अपलाई थ्रू एप ऑफ वेबसाइट ओनली वो वेबसाइट में आपको अपलाई करना है एंड सोनी रिस्पॉन्सिबल सबमिटिंग थ्रू दियर थ्रू एनी अदर वेबसाइट So candidates requested to check their email messages regularly and Basil will inform selected candidates through email or sms only. And Basil will not be responsible for any delay of candidates on candidate spots. So this is the instruction given by the Basil. So if you are interested to apply for this post, you can go ahead and apply and uh, just follow this step carefully so that your application will not get rejected. I hope that friends how to apply don't forget to subscribe. So thank you for watching. Meet you in the next video.